हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीता के दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबसे ज़रूरी चीज़, काढ़ा की रेसिपी। जैसे मोदी जी ने हमको बताया है काढ़ा पीने के लिए, हम बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। पहले तो ले लिया स्पून, हमने ले लिया है ब्लैक पेपर, उसको हम कूट के यूज़ करेंगे इसमें। उसके बाद हमने ले लिया है जिंजर का बड़ा सा टुकड़ा और बड़ा सा पीस, और हाफ लेमन को ले लिया है, बे लीफ्स 2-3 पत्ते ले लिया है। उसके बाद हमने ले लिया है सिनेमन ले लिया है एक लंबा सा टुकड़ा, और 2 इलायची ले लिया है। उसके बाद हमने लिया है लौंग लिया है, लौंग 3-4 ले लिया है हमने। और आपके पास रियल वाला जो हल्दी मिलता है उस वो है तो ठीक है, नहीं तो 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी भी डाल सकते हैं। और इसमें हम जैगरी डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं। आप देखिए मैंने 30 ग्राम यूज़ किया है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने तुलसी का पत्ता धो के 10 पत्ते को लिया है। उसके बाद हमको इसमें चाहिए हनी चाहिए। देखिए हनी में भी बहुत इम्यूनिटी पावर रहता है, बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। देखिए ये सारी चीज़ें हमको काढ़ा बनाने के लिए चाहिए। देखिए उसके बाद हम एक पतीला ले रहे हैं, एक 6 कप हम पानी ले रहे हैं। इस कप में मेजरमेंट लिया है मैंने, 6 कप लिया है। देखिए 3 बे लीफ्स डाल दिया है मैंने पहले गैस पे चढ़ा के। उसके बाद तोड़ के हमने सिनेमन को भी डाल दिया है, इलायची को भी डाल दिया है, और हमने लौंग को भी डाल दिया है। उसके बाद हम इसको देखिए थोड़ा सा जो हमने जगरी रखा था, गुड़ रखा था, उसको भी डाल दिया है मैंने। उसके बाद हमने जो हल्दी रखा था उसको भी डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। देखिए उसके बाद हमने जो तुलसी का पत्ता रखा था उसको भी डाल रहे। देखिए उसको भी डाल देंगे, और इसको हाई फ्लेम पे पहले अच्छे से बॉईल होने देंगे। देखिए मैंने जो रखा था ब्लैक पेपर को जो लिया था उसको भी अच्छे से कूट लेंगे। देखिए कूटने के बाद उसको भी डाल दिया है मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे अभी, के बाद हमने जो अदरक लिया था उसको मैंने टुकड़ा टुकड़ा करके कट कर दिया। उसके बाद वही उसको भी अच्छे से, देखिए मैं कूट रही हूँ, बहुत अच्छे से कूटना है, बहुत अच्छे से। आप चाहें कूटने के बाद इसको भी हम डाल देंगे अभी जो काढ़ा बना रहे हैं उसमें डाल देंगे। देखिए वही पतीला पे डाल दिया है मैंने, उसको बहुत अच्छे से अभी बॉईल करना है, एक 10 मिनट तक बॉईल करते रहना है। उसके बाद एक अच्छा सा उबाल आने के बाद, 10 मिनट होने के बाद हम इसका फ्लेम स्लो कर सकते हैं। देखिए पूरा उबाल आ रहा है हमारा हाई फ्लेम पर अभी। अभी इसको हम क्या करेंगे, अभी एक प्लेट को ढक देंगे, इसमें ढकने के बाद फिर से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर से 10 मिनट पूरा 20 मिनट लगता है इसको पूरा बनने में। देखिए मैं एकदम स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ। अभी रेडी हो गया हमारा, अभी हमने 6 कप बनाया था, अभी 3 ही कप होगा हमारा काढ़ा, जो कि अभी 3 जन के लिए काफ़ी हो जाएगा। अभी इसमें हम थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा लेमन मिलाएंगे, जो पीने के लिए रेडी कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट पियेंगे। आप चाहे बाद में पीना चाहते हैं तो जब पीना चाहते हो तभी आप लेमन और हनी मिला के पी सकते हो, लेकिन हमको अभी पीना था इसके वजह से हमने अभी मिला देंगे ये सारी चीज़। उसके बाद ये जो मसाला है इसको मैंने रख के 3 बार बनाऊंगी, 3 बार तक ये बहुत अच्छे से यूज होता है। आप बिल्कुल मत फेंकिए इसको, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल भी मत फेंकिए। उसके बाद मैंने बोला था ना लेमन डालना है, अभी लेमन डाल रहे हैं हम लोग।
देखिए यहाँ आप लेमन डाल रहे हैं, लेमन से भी बहुत अच्छा विटामिन सी भी रहता है लेमन में, और इस ये हमारे बॉडी पे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा, जिसे कोरोना वायरस के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए हमने हनी को भी डाल दिया है, देखिए मिला रही हूँ, देखिए, और मैं इसमें घी मिला रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार मिला के देखिए बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्टी बन जाता है, और घी में बहुत सारे विटामिन्स आते हैं और जो कि हमारे इम्यूनिटी को बहुत हाई कर देता है, बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए रेडी हो गया हमारा, पूरा गर्म होता है, अच्छे से मिल जाएगा वो। उसके बाद हमें एक कांच के ग्लास और एक कप पे निकाल रहे, देखिए आप इस काढ़ा को घर पे बना के पिए और आप मेरे साथ फ़ोटो शेयर करिए आपने बना के पिया कि नहीं। अभी कोरोना वायरस का 2.0 आ गया है, नॉर्मल नहीं है अभी, आप घर पे रहिए, डेली मॉर्निंग उठ के काढ़ा बना के पिए, और आप इसको ही पीने से हमारे बॉडी पे जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छे से रह जाएगा और हमको कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा। प्लीज़ ये घर पे बना के पिए। प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड रिश्तेदार सबके साथ शेयर करिए, और नीचे जो बेल आइकन है वीडियो के नीचे उससे ना भूलिए। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।